आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। आज एक छोटी सी बात कहने के लिए मैं आया था। छोटी सी नहीं, अब थोड़ी बड़ी हो गई बात। वो ये है कि हमने कुछ महीने पहले साधु संन्यासियों के लिए जो पीड़ित थे पैंडमिक से, उनको कुछ हेल्प पहुंचाने के लिए हमने एक छोटी सी सेवा शुरू की थी, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आप लोगों का सब कंट्रीब्यूशंस और प्यार आया उनके लिए, जो हमने डाइवर्ट किया कई सारे संन्यासियों को, और जो बहुत मदद हुई उनको। एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल एंड द ब्लेसिंग्स गो टू यू। और उसके बाद हमने दिसंबर में इसको बंद कर दी थी, क्योंकि वो पेंडेमिक उसके बाद खुल गया था सारा चीज़ें, और उसके बाद सब नॉर्मलाइज होने लग गया था। लेकिन क्योंकि फंड्स आ रहे थे तो हमने और 2 महीने एक्सटेंड किए, और हमने कोशिश की कि और कैसे बेस्ट हम पहुँचा सकें। उसके बाद फिर मैंने देखा कि लोग फिर भी कंटिन्यूसली भेज रहे हैं, अलग अलग भाव से। कोई कह रहा था कि मेडिसिन के लिए है, कोई और कोई प्रकार के हेल्प उनको पहुंचाने के लिए, फूड या फिर ग्रेन्स या यूटिलिटी जो भी है उस प्रकार से भेज रहे थे। तो हमने ये सोचा कि इस तरह के सन्यासी या मॉन्ग्स कहाँ पे हमको ज़्यादा मिलेंगे। तो फाइनली आई नेल्ड इट टू तिरुवणमलाई। एंड तिरुवणमलाई में एक इच्छा पहले से ही थी, क्योंकि मैं लगातार वहाँ कई वर्षों से जा रहा हूँ, और कई समय बहुत समय मैंने वहाँ बिताया है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी डिवाइन एंड वेरी होली। तो वहाँ पे कई सारे उस अरुणाचल हिल के पर्वत के इर्द गिर्द बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, जो रास्ते पे रहते हैं या फिर शेड्स में रहते हैं, और दे आर लिविंग इन अ वेरी वेरी मीग्र कंडीशन, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द हिल एंड लॉर्ड अरुणाचलेश्वरा। एंड आई एम श्योर लॉर्ड अरुणाचलेश्वरा हैज़ ऑलवेज बीन काइंड, क्योंकि तिरुवणमलाई में हमेशा सबको सब कुछ मिला है। तो हमारी एक ये थी कि हम वहाँ पे सेवा कुछ, तो ये जो आपके फंड्स आ रहे थे वहाँ पे डाइवर्ट करें। तो ऐसे ही मैंने एक पोस्ट डाली थी। तो आज आई वॉन्ट टू शेयर दिस ब्यूटिफुल डिवाइन सिंक्रोनिसिटी विद यू। तो उसके लिए थोड़ा एक्साइटेड था मैं, और कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स आए मुझे वहाँ से, तो वो मैं शेयर करना चाहता था। उसके लिए छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, प्लस दिस वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो मोबाइल पे ही बनाया मैंने जैसे भी हो सके। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो एक छोटी सी पोस्ट मैंने फेसबुक पे डाली थी कि कोई अगर तिरुवणमलाई में है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज मैं किसी को नहीं जानता वहाँ पर्सनली। और 2-3 लोगों का इमीडिएट रिस्पॉन्स आया। मैं किन्हीं को भी नहीं जानता उसमें पर्सनली, किसी को नहीं जानता, लेकिन वो लोग जानते थे मुझे, बिकॉज दे फॉलो माई पोस्ट एंड माई ब्लॉग्स एंड वो जो भी मैं ट्रैवल करता हूँ वो सब चीज़ें। तो वैसे करके 2-3 लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया वापस, और उसमें से आई अगेन फिल्टर डाउन एंड केम टू टॉक टू 1 पर्सन। मैंने उनके साथ चैट की, बिकॉज आई डोंट नो हु इज़ ऑल्सो। तो आई टोल्ड हिम ये कैसे डिवाइन इंटेंट था होने का, इज इट पॉसिबल। ही वेरी ओपनली सेड आई डू इट। तो मैंने बिना आगे पीछे सोचे ही आई स्टार्टेड ट्रांसफरिंग दैट और मूविंग दोज फंड्स टूवर्ड्स हिम फॉर दिस पर्टिकुलर सेवा। एंड ही एग्जीक्यूटेड इट वेरी वेल। फर्स्ट राउंड ही गेव लॉट ऑफ स्वीट्स एंड स्मॉल एमिनिटीज टू लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक अराउंड 400 पीपल ही डिड, एंड दैट वॉज वेरी वंडरफुल। एंड सेकेंड राउंड में उन्होंने फिर यूटिलिटीज हमने प्लान किया, बहुत अच्छे अच्छे छोटी छोटी चीज़ हम कैसे दे सकते हैं। तो एक पैकेट में जैसे कोकोनट ऑयल है, कोम है, कंघी है, और वॉशिंग सोप है, बेदिंग सोप है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ऐसे चीज़ें जो नॉर्मली उनको लगता है वेरी वेरी डेली नेसेसिटी है, वो हमने एक 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 पैक बना के क्लोज टू अराउंड 500 और 500 प्लस साधु संन्यासियों को हमने बांटा। वो गिरीवाल, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब यही लोग ये टीम कर रहे थे। और ये त्रिपाठी जी है उड़ीसा से, उन्होंने ही मुझे कांटेक्ट किया था, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। तो वो सिर्फ हमारी मैसेंजर पे बात होती थी, और उन्होंने ये 2 बार एग्जीक्यूट किया। तो तीसरे बार जब हम प्लान कर रहे थे कुछ भोजन वोजन करने का करवाने का, तो वो कह रहे थे कि आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो नॉर्मली तो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड दैट इज द टाइम सम सर्टन रेवलेशंस हुआ, एंड दैट इज द टाइम मैं थोड़ा चौंकना हो गया। दो आई टोल्ड यू इट्स ऑल अ डिवाइन सरप्राइज अबाउट द सिंक्रोनिसिटी। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक लिटिल ब्रीफली अबाउट द डिवाइन सिंक्रोनिसिटी, जो होता है सही में मायने में
करता वही है, वही करता है। ये आइडियाज भी जो हमारे मन में आते हैं या जो एक भाव उत्पन्न होता है, ये वही करता है। इन ये सब स्पष्ट हो रहा था, आई नो अबाउट इट, बट विथ लाइव प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ दिस हैपनिंग, इट मेक्स मी लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर टू टॉक अबाउट इट। एंड वो ये था कि त्रिपाठी जी ने मुझे बोला कि आई टुक दिस whole thing because I asked him Odisha kahan hai aur Tirunamala mein kaise. He said I just came here for 5 to 6 months to do my sadhana and some other work there. To maine bola theek hai, bahut achhi hai. To 5-6 mahine hi mere man mein tha ki 5-6 mahina kuch wahan pe kar sakte to bahut achhi baat hai. And then he told me no you don't know, I have been influenced by your post because you have been traveling there. Aur aapke blog padh ke hi कारण था मेरा यहाँ तिरुणामला में आने का, आपका पोस्ट पढ़ के ही था। आई वॉज हैप्पी टू नो दैट बिकॉज समवेयर इट हैज हेल्प इन सम वे। बट देन एज वी वर टॉकिंग ही सेड और भी बहुत सारे चीज हुए यहाँ पे भैया, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। आई आस्क्ड हिम व्हाट, क्योंकि पिछले साल महाशिवरात्रि के समय इसी टाइम पे मैं और शिवदास भाई और पेट्रा एक लड़की, शी इज अ फॉरनर, माई गुड फ्रेंड, सो शी इज समवेयर फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप, तो वो आई थी तिरुणमलय में महाशिवरात्रि के लिए। होल नाइट वी वर डूइंग गिरिवलम, हम चल रहे थे 17 किलोमीटर जो अरुणाचलेश्वर हिल के घूमना पड़ता है पैदल, तो होल नाइट वी वर डूइंग दैट। एंड इस पे मैंने एक लाइव शूट बनाई थी उस दिन पिछले साल इसी समय में, और वो हमें घर में रुके थे। हम आइडली ऐसे ही ढूंढ के, शिवदास भाई ने कहीं से मोबाइल से ढूंढ के निकाला एक घर और हमने ऑनलाइन ही बुक किया था। वो योगी राम सुमरत जी के आश्रम के पास ही है, तो उन्होंने बुक किया था और हम, मैं और शिवदास भाई वहाँ चले गए थे रहने के लिए। फिर पेट्रा आ गई, शी वॉन्टेड शेल्टर, तो वो तो हो गया, इट गॉट एडजस्टेड, इट वॉज अ ब्यूटिफुल बिग हाउस। एंड फिर उसके बाद हम निकल गए, तो सुबह लास्ट बिफोर पार्टिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइव पेट्रा के साथ, जहाँ पे पेट्रा ने काफ़ी बात की थी, एंड शी वॉज गिविंग डिवाइन टिप्स टू ट्रैवलर्स बिकॉज शी ऑल्सो इज अ ट्रैवलर। वो अकेला घूमती है पूरी दुनिया, अकेली लड़की, तो आई वॉन्टेड टू हर टू कन्वे कि एक लड़की हो के आप कैसे करते हो, वॉट अबाउट अदर, गिव मैसेज टू द अदर फीमेल्स आउट देयर, शी गेव वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। तो वो लाइव इस बार मेरे फेसबुक मेमोरी पे आया था एक साल के बाद, तो लास्ट वीक मैंने उसको शेयर किया था, आप देख सकते हो मेरे इसमें प्रोफाइल में, पेट्रा इज टॉकिंग। तो ये जो त्रिपाठी जी है जो ये अभी सेवा वहाँ पे कर रहे हैं, वो ये वीडियो देख रहे थे इस चीज़ को, और देखते देखते उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये वीडियो के अंदर ये जहाँ बैठे हैं ये चेयर थोड़ा जाना माना पहचाना सा लग रहा है। उन्होंने गौर से देखा कि उस वो जिस घर में है उस घर में वो चेयर है, तो उन्होंने बोला ये चेयर वो तो नहीं है। फिर पेंट भी देखा, सेम लग रहा था दीवार का, ये कह रहे थे मुझे। फिर वो अपने ओनर के पास चले गए, लैंडलॉर्ड के पास, और वो बताए कि ये देखो ये जाना पहचाना, एंड ही सेड दिस इज द हाउस, ये यही घर है और इनको मैं जानता हूँ, ये लेडीज को, तो लेडी को शी इज फॉरनर जो यहाँ रही थी, और ये दो जेंटलमैन को भी मैं जानता हूँ, ये दोनों भी यहाँ रहे थे। And that is the time even Tripathi ji was shocked, oh my god, I am staying in the same house where these people stayed 1 year back exactly. And he landed up, dekho Tirunamala is a big place, but he landed up exactly in that house, and divine synchronicity aise hua ki I had to reshare that post, and usi time pe unhone dekha, aur usi time yani ki jab ye sevaen chal rahi thi, aur fir unhone bola bhaiya maine jaise ye landlord ko ye dikhaya, लैंडलॉर्ड ऑल्सो वॉज विथ मी, क्योंकि हम लोग पैक कर रहे थे अगले दिन ये सेवा करने के लिए, एंड लैंडलॉर्ड ऑल्सो इज हेल्पिंग अस इन द सेवा, ही हैज बीन विद अस इन द सेवा। आई सेड वाओ, तो ही वॉज लिटिल ईगर टू टॉक बिकॉज ही सेड आई नो दिस गाय, ओके दिस इज द गाय दैट यू टॉकिंग अबाउट, उनको बोला आई नो दिस गाय बिकॉज वी हैव स्टेड हियर, एंड देन वी गॉट कनेक्टेड, ही इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन जेंटलमैन, एंड आई वॉज लाइक जैप्ड, वॉट डिवाइन सिंक्रोनिसिटी। एंड देन त्रिपाठी जी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बोलते जा रहे थे कहीं बहुत कुछ चीज़ें, और ये आपने यहाँ टोपी अम्मा, अवधूत टोपी अम्मा का भी वीडियोज डाले थे जो आपने लाइव किया था यहाँ से, और आपको एक बात बताना था कि
फूफी अम्मा भी हमारे घर के बगल में ही रहती है। मैं सेड शी डजंट स्टे देयर बिकॉज आई हैव सीन हर ऑलवेज इन योगी राम सूरत कुमार जी के आश्रम के पास। ही सेड वो दिन में वहाँ रहती है लेकिन रात को 6 बजे के बाद वो यहीं आती है और जस्ट घर को लग के ही बगल में ही वो रहती है। तो लगातार रोज उनके दर्शन होते हैं, दे टेक इट हर ब्लेसिंग। तो वो बोल रहे थे, पहले देख के मैं चौंक गया, और वो तो ऐसी है, शी इज एन अवधूत, उनको कोई कुछ दिए तो भी उठा के फेंक देती हूँ। तो इन्होंने भी कुछ दिया था उनको, फ्रूटी वगैरह, वो भी उठा के फेंक दिया था। तो वो कह रहे थे कि पाटी जी कि आपका वो वीडियो मुझे आ गया, याद आ गया, जहाँ आप गए थे मिलने को सिद्धप्पा जी के पास, जो एक अवधूत है, और आपने उसमें बताया था कि आपने उनको सिगरेट दी थी स्मोक करने के लिए। तो मैंने देखा कि टुप्पी अम्मा तो गुटखा खाती है, तो पहले थोड़ा ये लगा कि गुटखा दूं या ना दूं, फिर आपका वीडियो मुझे याद आया और मैंने देखा कि आपने तो दिया, और वो तो अवधूत है उनको, और हम समझ नहीं सकते कि ये हैबिट्स है क्या है, इट्स ऑल विथ डिफरेंट इंटेंट्स, तो दे आर बियॉन्ड ऑल दिस। तो उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने गुटखा लाए और उनको दिया, एंड ही सेड माई गॉड शी जस्ट टुक इट रिग्रेसफुली, एंड उसके बाद लगातार वो देते आ रहे हैं उनको, एंड शी टेक्स इट। तो एक वीडियो उन्होंने छोटा सा भेजा जहाँ पे वो दूसरे टीम के साथ, और ये त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि मैं अकेला था, फिर ये हाउस ओनर आ गया, फिर और एक फ्रेंड आ गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 लोग तक जुड़ गए, और ये 5 लोग अब मिलके, एंड इट्स एक्सपांडिंग, पूरा गिरिवलम करते। पहले हमने शुरू किया था 400-500 योगियों के साथ, फिर वो 700 तक गया, अब 1000 का टारगेट है। तो मंथली हम ये ट्वाइस कर रहे हैं, एक बार हम यूटिलिटीज देते हैं, एक बार बड़ी तादाद में फूड मील्स या जो भी न्यूट्रिशियस, वो अच्छी तरह से परखे, दाल की क्वालिटी, चटनी की क्वालिटी, जो इडलीज वगैरह जो बनती है स्टीम्ड इडलीज, उनका स्टेपल फूड है वहाँ पे, तो वो भी और अच्छी क्वांटिटी में। तो ये सब चीज़ें हम देख के, हम फिक्स करके वेंडर्स के साथ वो कर रहे हैं, टैक्सी वगैरह बुक करके दे गो, एंड इट टेक कई घंटे लगते हैं उनको, पूरा गिरिवलम 17 किलोमीटर कवर करके, ऑलमोस्ट एक दिन बोल सकते हैं, आधा दिन, और काफ़ी सारे लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भेजे मुझे और फोटोज़ भेजे जो मैंने ली थी, ताकि जिस जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको पर्सनली मैं भेज सकूं, क्योंकि ये हमने कभी ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट टू बी फंडेड विथ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दोस थिंग, वो मनी वनी वो ज़्यादा चक्कर नहीं चाहिए था, जितना आ रहा था आने दो बोल के मैं उसमें था। लेकिन फिर और ये बताने का भी नहीं था, क्योंकि क्या बताएं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन जब इतना डिवाइन सिंक्रोनिसिटी देखा मैंने कि इट सीम्स एवरीथिंग वॉज प्लांटेड, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली डिजाइंड, कि ये होना था तो ये हो रहा है, ये कोई और विल से हो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, आई एम सीइंग एवरीथिंग इज ऑल प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री फिक्स्ड, तो आई एम जस्ट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट हियर, एंड ऑल द पीपल हु आर इन दिस ब्यूटिफुल सेवा आर बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट, सो इट इज सच, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू शेयर दिस आउट, है सर कोई गलती नहीं है इसमें शेयर करने में। तो ये लोग वीडियोस वगैरह भेजे थे, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जो इसके बाद मैं अटैच कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, उसके अंदर सब कुछ क्लियर कट है। और साथ ही साथ जब वो सेवा दे रहे थे लोगों को, तो हमने देखा कि कई सारे गरीब लोग भी आते हैं वहाँ पे, भूखे लोग भी आते हैं, तो टारगेट तो है साधु संन्यासियों के लिए, लेकिन उसमें कई और भी लोग आते हैं, और हम मना नहीं करते, मना नहीं कर नहीं सकते हैं, ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हमने क्लियर बोला है, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं, वी विल जस्ट हेल्प, इंटेंशन साधु संन्यासी का है, लेकिन जो भी आए उनको हमसे, वी विल जस्ट सर्व एंड बीट इवन एनिमल्स। सो द टीम इज अंडरस्टैंडिंग इट वेरी ब्यूटिफुली एंड दे नो इट, दे आर ऑल इन दैट सेम फ्रेम ऑफ माइंड, सेम फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल इन द निष्काम सेवा भाव। एंड ऑल दीज पीपल, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, दे आर नॉट फ्रॉम वन कम्युनिटी, वन पाथ, वन रिलीजन, नथिंग, वो कहीं कहीं मल्टीपल डाइवर्सिटी से आ गए हैं। त्रिपाठी जी भी है और जोनर भी है, ये कोई लेन देन नहीं हमारा किसी का, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं कि हम एक ही पाथ से है या एक ही रिलीजन से है, कोई नहीं, उसमें क्रिश्चियन भी है दूसरा, कहीं कहीं से तो जुड़ गए, इट्स अ डिवाइन यूनिवर्सल फैमिली, वी आर ऑल टूगेदर इन दिस ब्यूटिफुल थिंग इन ट्राइंग टू हेल्प। एंड वन अनदर मैसेज आई वुड लाइक टू टेल यू इज बी वेरी काइंड टू पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, अभी जो
काफी तादाद में आपको दिखेगा नहीं ये सब चीजें, क्योंकि लोग हम क्या है, हमसे पॉजिटिव बात करो पॉजिटिव बात करो, सिर्फ ओवर एक्साइटेड रहो, एंथुजियास्टिक रहो, बस उसी में उसी में, तो ये सब चीजें हम नकार देते हैं। लेकिन मैं शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में अलग ही बताता हूँ हमेशा कि नकार नहीं कोई चीज को, एक्सेप्ट एवरीथिंग, इवन योर ओन डार्कनेस, इवन द डार्कनेस ऑफ अदर्स, डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट, डू नॉट एक्ट एज दो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं है कि इफ यू लुक एट नेगेटिविटी यू बिकम नेगेटिव, नो, इफ यू ब्रूड ऑन नेगेटिविटी यू बिकम नेगेटिव, बट यू कैन ऑलवेज एक्नॉलेज एनीथिंग नेगेटिव इन अस, इन अदर्स, सी इट, ऑब्जर्व इट, इट्स ओके, दैट इज हाउ वी रिलीज इट, दैट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, एंड दिस इज अ ट्रेनिंग। तो थोड़ा हम काइंड हो जाए। पैंडमिक इस समय में मैं देख रहा हूं कि जितना हम लोग ये कनेक्टेड हो रहे हैं कई एक्टिविटीज से, कई तरह से, मैं पर्सनली भी देख रहा हूँ, लॉट ऑफ फैमिलीज बीइंग अफेक्टेड वेरी बैडली, लॉट ऑफ पीपल हु नीड हेल्प बट विल नेवर आस्क फॉर इट। बहुत ऐसे खुदगर्ज लोग हैं जो इस समय में इतने पीड़ित हैं, दे विल प्रिफर टू डाई बट आस्क फॉर समथिंग। खुदगर्ज लोग हैं, चलो मानते हैं उनका जो भी ये है, बट इट्स नॉट राइट। आई मीन व्हेन देर इज सच अ ब्यूटिफुल बिग वर्ल्ड, व्हेन पीपल आर केपेबल इनाफ ऑफ सो मेनी थिंग्स, इतना रिसोर्सेस है हमारे पास, इतनी कैपेसिटीज है, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी है, क्रिएटिव कैपेसिटी है, लव कैपेसिटी है, एनर्जेटिक कैपेसिटी है, सो मेनी रिसोर्सफुल कैपेसिटीज हैं जो एक दूसरे को अगर एक्सटेंड करे तो इट कैन हेल्प समथिंग, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट, वी रिजर्व एवरीथिंग, वी निग्लेक्ट एवरीथिंग, वी इग्नोर एवरीथिंग, वी हमको अगर दिखता है कुछ नहीं दिखता है तो हम बोल देते हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ सर्टन थिंग, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ सर्टन थिंग, यू माइट मिस आउट समथिंग एंड यू माइट लूज समथिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कई सारे सुसाइड्स भी चल रहे हैं आज इस वक्त पे, कई सारे लोग आर गोइंग टू डिप्रेशन एंड सुसाइड्स एंड दे आर फीलिंग सो होपलेस, सो हेल्पलेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, यू नो, ऐसे फैमिलीज मैंने देखे जो अच्छे अच्छे फैमिलीज, अभी खाने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है उनको, एंड दे हैव चिल्ड्रन, दे हैव सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आमदनी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, सो मैनी थिंग्स बैडली इट्स अफेक्टेड माई डियर वंस। तो ऐसे टाइम पे मैंने ये भी देखा है कि लोग हार्श होते हैं उनके साथ, एंड नोबडी वॉन्ट्स टू टॉलरेट एनीथिंग, वो सिर्फ अपने अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, तो इट अफेक्ट सो बैडली, इट्स इनह्यूमन काइंड ऑफ बिहेवियर। सो मैं ये इसलिए ये टॉपिक भी यहाँ कर रहा हूँ कि एक दो ऐसे एपिसोड्स आए हैं इसमें, एंड आई विल नॉट से वी आर जस्ट कीपिंग इट फॉर साधु संन्यासीज, इफ वी सी समबडी इन वेरी डायर नीड्स वी विल ट्राई एंड एक्सटेंड इट, बिकॉज इट्स अ रिसोर्स अगेन कमिंग फॉर सम डिवाइन पर्पस, तो इट इज इन द नेम ऑफ दैट। तो इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था डियर वंस, एक जमाने में मैंने ऐसे ही जस्ट शुरू किया था कुछ टेम्पररी सोच के, बट इट्स टर्निंग आउट इनटू समथिंग, एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम नो वन टू टेक डिसीजंस, जो हो रहा है जैसा हो रहा है जब तक हो रहा है, आई विल बी एन इंस्ट्रूमेंट टू इट, एंड आई डीपली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक ऑल दिस ब्यूटिफुल टीम जो निष्काम तरीके से जुड़े हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉफिट्स नहीं, कुछ ये नहीं सोच रहे हैं, दे आर पुटिंग सो मेनी आवर्स एंड टाइम एंड लव, यू कैन से लुक इन टू द वीडियोज एंड सी दे आर डूइंग इट विद सो मच ऑफ लव एंड डिवोशन, सो दिस इज एन इंस्पिरेशन, सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस, सो माई डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल यू लवली टीम आउट देयर हु आर लुकिंग इन टू दिस वीडियो विच आई एम शेयरिंग हियर टू द वर्ल्ड, एंड डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज पीपल हु हैव बीन very beautifully even repeatedly giving and donating through whatever sources, though I have not asked, only once I had asked, and it's still going, it's going out of your own love, and people are still saying we can do this, do that, you do in whatever way you can, we are just trying to identify, so if that happens we will utilize it in that way, I cannot promise anything, but if you have ideas, suggestions, you can always pour in there। तो इफ यू वॉन्ट टू नो वेयर इज अ लिंक, क्योंकि पिछले बार मैंने एक छोटा वीडियो ऐसे ही डाला था, आई डिडंट पोस्ट एनी लिंक, बट आई गॉट मैसेजेस अगेन कि प्लीज वी वॉन्ट टू डू समथिंग, तो तब मैंने बोला था कि आई लेट यू नो लेटर ऑन, अगर जरूरत पड़े अभी ये नहीं है, तो मैसेज आर स्टिल कमिंग, सो आई एम जस्ट पुटिंग दैट लिंक इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ,
जहाँ आपको मिलेगा आपको कुछ करना है तो आपकी मर्जी से आप करिएगा, कोई ये नहीं है। बट आई कीप यू अपडेटेड ऑफ ऑल दिस लवली डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज दैट आर हैपनिंग एंड दैट्स ऑल। सो जस्ट विद दिस स्मॉल स्मॉल मैसेज ऑफ प्लीज बी लिटिल काइंड टू पीपल एंड डू वट एवर यू कैन टू दैम। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ही आपको कुछ करना है, यहीं कुछ भेजना है, नहीं। आपके एरिया में थोड़ा स्कैन कर लो, थोड़ा कॉन्शियस रहो, डिग आउट, फाइन। इफ यू गो डाउन टू देयर लेवल एंड टॉक टू पीपल दे विल ओपन अप, नहीं तो वो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे आप पहचान सकते हो और यू कैन सेव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम गोइंग इन टू वेरी बैड पिट्स, क्योंकि बिकॉज दे फील दे हैव नो वन। एंड वेन वी हैव सच अ ह्यूज लार्ज फैमिली ऑफ ब्यूटिफुल अनकंडीशनली फ्लोइंग लविंग हार्ट्स, तो ये तो ठीक नहीं लगता कि वो सोचे कि कोई नहीं है। वी आर ऑल देयर फॉर ईच अदर। सो विद दिस आई टेक यू लीव एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। देव शरणम, गुरु मंडल शरणम, मे द लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ अस इन ऑल आवर एंडेवर्स। बी ब्लेस्ड। अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव 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 अरुणाचल अरुणाचल शिव 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 अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल
अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव।